फरिश्तों से पूछते हैं कि ये मकाम मर्तबा है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे मकाम को ऊंचा कर दिया है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे माता बहनों, अपने औलाद को नेक बनाइए। अगर आप नेक बना करके अगर इस दुनिया से चले गए तो आपके कब्र में भी उनका सवाब मिलता रहेगा। और पूछते हैं फरिश्तों से, ऐ फरिश्ते मेरा आजार तो हल्का कैसे हो गया? तो फरिश्ते कहते कि तूने नेक औलाद छोड़ा था जिसकी वजह से उन्होंने तेरे लिए दुआएं की, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे आजाद को हल्का कर दिया। और अगर यही औलाद नाफरमान है तो फिर याद रखिए औलाद और उनके बच्चों को जरा थमा करके देखिए वो बच्चे किस तरीके से खुश होता है। इसलिए आपके ऊपर ये हक है कि अल्लाह ने जो माल दिया है वो गरीबों का भी, गरीबों को भी दीजिए, उनका भी ख्याल कीजिए। और जहां जिस तरीके से खर्च करने का अच्छा बदला देगा। इसलिए जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से नवाजा है उनको आप सही इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में बरकत देगा, आपके माल को पाक और साफ करेगा, आपकी बीमारियों को भी दूर करेगा। क्योंकि तो आपके साथ साथ बच्चों ने भी वो काम किया, लेकिन आप देखे होंगे बच्चों की शरारत, बच्चों की वो काम जो किसी से लड़ रहा है, किसी को मार रहा है, आप उनको कितने समझाइए, कौन भी समझा रहा है, समझने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वजह क्या है? वो बच्चे कसूर है, बच्चे कसूर नहीं है। आज बच्चा बिगड़ हुआ नजर आ रहा है, आज किसी का बात वो नहीं मानता है, एक दूसरे से लड़ रहा है। आप देखे होंगे कि जाने की रात में यहाँ भी जामा मस्जिद में भी ये बच्चे कोई भी किसी का बात मानने वाला नहीं, एक दूसरे से मार रहा है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है। ये माँ बाप की गलती है, ये माँ बाप की गलती है। इसलिए अपने औलाद को तरबियत दीजिए, दीन की तालीम दीजिए। अगर वो बच्चा को कभी तालीम दी कि मेरे बच्चे तो 7 साल का हो गया, नमाज पढ़ो, ప్రపంచ మొత్తంలో ఇస్లామిక్ ముస్లిం అనేది ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఈరోజు పండుగ జరుపుకుంటున్నారు. ప్రపంచ మొత్తంలో శాంతి సామరస్యానికి ప్రతీకగా ఈ రంజాన్ పండుగ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక నెల రోజులు మొత్తము ఉపవాసాలు మరియు ఏదైతే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిందో దాంట్లో ఇతరుల బీదులకు కూడా దానం చేసి అందరూ సమానులే, మానవ జాతి మొత్తం సమానులే, అందరూ అందరికీ బతికే హక్కు ఉంది, అందరు బతకాలి, అందరు బాగుండాలనే బోధన ఇస్లాంలో జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ ఇస్లాం మతం ప్రకారమే అంత శాంతి సామరస్యంగా ఉండాలని, భారతదేశంలో ఏదైతే నిరంకుశం నడుస్తుందో దానికి కొరకు మేము ప్రత్యేకించి ప్రార్థన చేశాము. ఎక్కడైతే ప్రజాస్వామ్యం ఉందో, ఎక్కడైతే శాంతి సామరస్యం నడుస్తుందో అక్కడ భగవంతుడు ఆ నాయకులకు ఆ రాజ్యాన్ని శస్యశామలంగా ఉంచాలని ప్రత్యేక ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నేను నిజామాబాద్ జిల్లా మరియు మోర్తాడు బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. దునియాభర మే ఈద్ ఉల్ ఫితర్ మనాయా జా రహా హై, వైసే హీ మోర్తాడ్ మే ఈద్ ఉల్ ఫితర్ మనాయి శౌఖ ఖుర్రత్ కే సాథ్ ఏక్ మహీనా జో ఇబాదతే జో జో సదఖా ఖైరాత్ జో కి హై, जो हमारे से जो गलतियाँ हुई थी उसकी माफ़ी के लिए आज जो अल्लाह ताला
जो ईदगे पे हमारे लिए इनाम रखा था, वो इनाम को ही हम ईद के ज़रिए मनाते हैं और वो ईद को अल्लाह ताला कबूल करे, क्योंकि हर आदमी का ये है। और ख़ासकर हिंदुस्तान में अमन शांति भाईचारे के लिए जो ये चल रहा है उसके लिए बहुत कुछ जो हुकूमतें चल रही है, अल्लाह ज़ालिमों की हुकूमतों को बर्बाद कर दे, मिटा दे, जो सेकुलर है उसका बोलबाला कर दे अल्लाह, और जो इस दुनिया में जो सेकुलरिज्म और जो शांति भाईचारा को ये कर रहा उसका उसको साथ रहे। तो